तो गाइस आप सभी सीएसपी संचालकों के लिए स्पाइस मनी की तरफ से एक ऐसा फीचर लॉन्च किया गया है, एक ऐसा अपडेट लाया गया है जिसे जानने के बाद आप वाकई में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक एज ए एक सीएसपी संचालक आप अपने सीएसपी सेंटर पर बंधे हुए थे, यानी कि किसी भी तरह का लॉगिन करने के लिए, सीएसपी को रन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मॉर्निंग में जो है कि अपने फिंगर के थ्रू जो है कि अपना खुद ऑथेंटिकेशन करना पड़ता था, यानी कि सीएसपी को वेरीफाई करना पड़ता था, जिसके बाद कोई भी आपके सेंटर का मेंबर आपका आईडी रन कर सकता था। लेकिन यहाँ पर सीएसपी संचालक को डेली वेरिफिकेशन करना ही पड़ता था, जिसके बाद ही उसका आईडी एक्टिवेट होती थी। तो अब देखिए इसी से रिलेटेड स्पाइस मनी ने एक बेहतरीन अपडेट दिया है, और बता दें कि यह अपडेट शायद से बहुत ही कम एईपीएस कंपनियों के अंदर देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। और खैर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह अपडेट किसी अदर कंपनी में भी अभी तक है, आया है या फिर नहीं आया है, या फिर केवल स्पाइस मनी ही ऐसी कंपनी है जिसके अंदर यह अपडेट आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बेसिकली जैसे ही आप अपने स्पाइस मनी पोर्टल को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आप लोगों को यह अपडेट दिख जाएगा। और बता दें कि यह जो अपडेट है हमारे सभी सीएसपी संचालकों के स्पाइस मनी पोर्टल में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जिन सीएसपी संचालकों का ये केवाईसी कंप्लीट हो गया है उनको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जिन सीएसपी संचालकों का कंप्लीट नहीं हुआ है उनके पोर्टल में आज नहीं तो कल 100% यह पॉपअप शो करेगा ही करेगा। और बेसिकली अगर आपने पॉपअप शो नहीं कर रहा है तो आप लोग कैसे केवाईसी अपडेट करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में स्पाइस मनी के इस फीचर का आप भी फायदा ले सकें। बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन करने के बाद ही मेरे सामने इस तरीके से पॉपअप आ गया, जिसमें यह लिखा हुआ है डू योर ई केवाईसी फर्स्ट ऑन एनएसडीएल, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है टू एड सब अधिकारी, फर्स्टली यू नीड टू डू केवाईसी एट एनएसडीएल, वी टेक जस्ट 2 मिनट टू डू केवाईसी एंड देन यू कैन एड द सब अधिकारी ऑन योर बिहाफ, ठीक है। इस अपडेट का मतलब ये है कि अगर आप अपने सेंटर में किसी भी मेंबर को, यानी कि आप अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पिताजी को, अगर किसी को भी जो है कि अधिकारी के बाद सब अधिकारी जो है कि ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आपके अनुपस्थिति में भी वो लोग डेली वेरिफिकेशन कर सकें, अगर ऐसा आप लोग जो है कि ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग को एनएसडीएल में जो है कि केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। और ये 2-3 मिनट का प्रोसेस है, मैं आप लोग के सामने यहाँ पर लाइव दिखा दूंगा कि कैसे केवाईसी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो आप लोग को केवाईसी कंप्लीट करना होगा, इसके बाद ही आप सब अधिकारी ऐड कर पाएंगे। यहां पर सब अधिकारी ऐड करने का फायदा यह है कि अगर आप किसी दिन अपने सेंटर पर आप नहीं हैं या अपने घर पर नहीं हैं तो उस आपके अनुपस्थिति में आपका जो सब अधिकारी रहेगा जिसे आप अपने बिहाफ पर ऐड किए रहेंगे वो जो है कि 2-स्टेप वेरिफिकेशन यानी कि डेली वेरिफिकेशन करके आपका आईडी एक्टिवेट करेगा और आपका ट्रांजेक्शन जो है कि हमेशा की तरह चलता रहेगा। तो ये हमारे सीएसपी संचालकों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि यह अपडेट आने के बाद हमारे सीएसपी संचालक इस जो है कि झंझट से यानी कि डेली वेरिफिकेशन से बच जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली जैसे ही आप लोग गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसमें आप लोगों को एनएसडीएल ई केवाईसी करने के लिए बोला जाता है। यहां पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर दिया जाएगा, इसके बाद पैन कार्ड दिया जाएगा, शॉप एड्रेस। सिंपली मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, सिंपली इस ओटीपी को फिलअप करना होगा, इसके बाद सिंपली सबमिट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई यहां से हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर आधार रजिस्टर्ड नहीं, जिस मोबाइल नंबर के थ्रू आपका स्पाइस मनी आईडी है उसी मोबाइल नंबर पर जो है कि एक ओटीपी आता है। इसके बाद सिंपली पैन पर क्लिक करेंगे तो आपका पैन भी यहां से वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आप लोगों को आधार वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए आप लोग यहां पर अपना आधार नंबर देंगे। इसके बाद ये जो कंसेंट आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, कंसेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेम एज इट इज जो कि आप लोग यहाँ से अपना बायोमेट्रिक डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, जिस बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू आप अपना फिंगर स्कैन करना चाहते हैं। इसके बाद आपके सामने जो है कि कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आएगा, जिसके बाद आपके सामने केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीटेड का पॉपअप आ जाएगा, यानी कि आपका केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट यहां पर हो चुका है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बता दें कि ये जो अपडेट है फिलहाल आप लोगों को जो है कि पोर्टल में देखने के लिए नहीं मिलेगा, बस जस्ट ऐसे ही आपके पोर्टल में आ जाएगा, यानी कि अभी स्पाइस मनी की तरफ से इस अपडेट पर जो है कि काम किया जा रहा है, जिससे कि बहुत ही जल्दी इस फीचर को लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों को उससे पहले एनएसडीएल ई केवाईसी कंप्लीट करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप लोग इसे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप लोग इस फीचर से वंचित रह जाएंगे, जिसके बाद आप इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए आप लोग को एनएसडीएल ई केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। अगर देखिए आपके पोर्टल में अभी तक आप लोग को यह पॉपअप नहीं शो किया है एनएसडीएल ई केवाईसी करने के लिए, तो आप लोग को यह कहां पर मिलेगा ऑप्शन, सिंपली आप लोग यहां पर नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को यहां पर जो कि अधिकारी सर्विसेज में एक ऑप्शन दिख जाएगा, वाईबीएल
NSDL eKYC। तो सिंपली यहां पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आपके सामने NSDL eKYC का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहां से क्लिक करके आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा यहां पर कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने मैंने करके दिखाया, ठीक है। तो मेरा यहां पर जो है कि नहीं ले रहा है। चलिए मैं आप लोगों को कस्टमर केयर के थ्रू क्या रिस्पांस मिला है इस अपडेट से रिलेटेड, ये आप लोगों को बता देता हूं। आप क्या बोल रहे हैं कि ये जो सब अधिकारी ऐड करने का जो ऑप्शन आया हुआ है, ठीक है, ये अभी ऐड करने का ऑप्शन नहीं आया इस स्पाइस मनी में। अच्छा, अभी जस्ट KYC कंप्लीट करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि KYC कंप्लीट रहे और जैसे ही ऑप्शन आएगा तो हम ऐड कर पाए। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।